दोस्तों अगर आप भी धोनी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। अंपायर से जा भिड़े एमएस धोनी, जानिए ऐसा क्यों, कब, क्या हुआ। क्रिकेट प्रेमी महेंद्र सिंह धोनी को माही, कैप्टन कूल के नामों से जानते हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मंगलवार को ये खिलाड़ी कुछ पलों के लिए अपना आपा खोता दिखाई दिया। वह भी किसी खिलाड़ी से नहीं बल्कि अंपायर के खिलाफ। दिलचस्प बात यह है कि कैप्टन कूल कहे जाने वाले धोनी ने आईपीएल में लगातार दूसरे साल अंपायर से बहस की। ये भी संयोग है कि पिछले साल राजस्थान के खिलाफ मुकाबले के दौरान ही अंपायर से उन्होंने बहस की। आईपीएल 2020 में मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल के बीच मुकाबला हुआ। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। राजस्थान ने शानदार बैटिंग करते हुए 216 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। राजस्थान की इस पारी के दौरान एक ऐसा मौका आया जब धोनी अंपायर से जा भिड़े। 18वें ओवर में हुआ विवाद। धोनी और अंपायर की जिस बात पर बहस हो रही थी वो 18वां ओवर था। इस ओवर की 5वीं गेंद बल्लेबाज टॉम करन के पैड से टकराकर विकेटकीपर धोनी के पास पहुंची। धोनी ने लपक कर आउट की अपील की, अंपायर ने आउट दे दिया। टॉम करन ने डीआरएस लेने की कोशिश की तो पता चला कि उनकी टीम यह मौका पहले गवा चुकी है। टॉम करन ने अंपायर से पूछा कि उन्हें कैच आउट दिया है या एलबीडब्ल्यू अंपायर ने कैच आउट दिया था। इस पर करन ने सवाल उठाया, क्या धोनी ने सफाई से कैच लिया। इस पर अंपायर ने लेग अंपायर की मदद ली। बात साफ नहीं हुई तो थर्ड अंपायर की मदद ली गई। टीवी रिप्ले में देखा गया कि गेंद धोनी के ग्लव्स तक पहुंचने से पहले जमीन को छू चुकी थी। इस तरह टीवी अंपायर ने करन को नॉट आउट करार दिया। डीआरएस को लेकर बहस कर रहे थे धोनी। जब टीवी अंपायर रिप्ले देखकर नॉट आउट या आउट का फैसला कर रहे थे तब धोनी अंपायर से मैदान पर बहस करते देखे गए। वे इस दौरान डीआरएस की ओर इशारा करके बात कर रहे थे। माना गया कि वे अंपायर से कह रहे थे कि जब राजस्थान रॉयल्स टीम के पास डीआरएस बचा ही नहीं था तो फिर अंपायर ने अपने फैसले को किस आधार पर रिव्यू किया। राजस्थान की टीम के राहुल तेवतिया एलबीडब्ल्यू करार दिए जाने के बाद डीआरएस ले चुके थे, लेकिन फैसला बरकरार रहा। इतना ही नहीं, राजस्थान ने डीआरएस भी गवा दिया था। साल 2019 में भी धोनी और अंपायर के बीच हुई थी ऐसी ही एक भिड़ंत। आईपीएल 12 के 25वें मैच में चेन्नई बनाम राजस्थान मैच खेला गया। इस मैच के आखिरी ओवर में विवाद हुआ जो बेन स्टोक्स डाल रहे थे। बात कुछ ऐसी थी कि मैच के आखिरी ओवर में अंपायर उल्हास गांधे ने शुरुआत में नो बॉल का इशारा करके हाथ उठाया, लेकिन लेग अंपायर ब्रूस ऑक्सनफोर्ड ने गेंद कमर के ऊपर रहने का कोई संकेत नहीं दिया। इसके बाद गांधे ने नो बॉल नहीं दी। ये देखकर धोनी को काफी गुस्सा आया जो उस वक्त मैदान से बाहर थे। धोनी मैदान में घुसकर आए और अंपायर से करने लगे बहस। हालांकि अंपायर का फैसला नहीं बदला और बाद में धोनी पर मैच फीस का 50% जुर्माना भी लगाया गया। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, जल्दी बताएं।